हेलो वियर्स, बदलते मौसम में सिर दर्द और जुखाम हो तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे। क्या ये नुस्खे इतने आसान हैं कि आप इनको अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं? अगर आपने इन नुस्खों को ढंग से फॉलो किया तो मौसम बदलते समय आपको कभी भी सिर दर्द की समस्या नहीं होगी। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, ऐसे में सिर दर्द और जुखाम जैसी समस्या आम हो गई है। इस परेशानी से बचने के लिए पेन किलर और नुकसानदायक मानी जाती है। ऐसे में दवाएं लेने की जरूरत नहीं है, इनकी जगह आप अपने किचन में रखी गई चीजों से सिर दर्द और जुखाम को छू मंतर कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इन बीमारियों से निपटने का घरेलू उपाय। यूं तो मार्केट में कई तरह के पेन किलर मौजूद हैं, मगर इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी कम नहीं हैं। यह दवाएं कुछ समय के लिए दर्द कम करती हैं, मगर बाद में यह दर्द फिर से होने लगता है। हर बार दर्द में दवा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शरीर में बहुत अधिक बाहरी लवण का जाना दूसरी बीमारियों का कारण बन सकता है। पर आप चाहें तो ऐसी कई घरेलू उपाय हैं जिनसे आप अपना सिर दर्द चुटकियों में दूर कर सकते हैं। ये उपाय इतने आसान हैं कि आप इन्हें अपने ऑफिस में काम करते करते भी अजमा सकते हैं। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप अपने मस्तिष्क से हर बुरे विचार को निकाल दीजिए और शांत रहने की कोशिश कीजिए। इन घरेलू उपायों की अच्छी बात यह है कि ये सभी पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर हैं। नंबर एक, एक्यूप्रेशर द्वारा। सालों से लोग सिर दर्द में राहत के लिए एक्यूप्रेशर का प्रयोग करते आ रहे हैं। सिर दर्द होने की स्थिति में आप अपनी दोनों हथेलियों को सामने ले आइए। इसके बाद एक हाथ से दूसरे हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच की जगह पर हल्के हाथ से मसाज कीजिए। ये प्रक्रिया दोनों हाथों में 2 से 4 मिनट तक दोहराएं। ऐसा करने से आपको सिर दर्द में आराम मिलेगा। नंबर दो, पानी। कुछ देर पर पानी की थोड़ी थोड़ी मात्रा पीने से सिर दर्द में आराम मिलता है। एक बार आपका शरीर हाइड्रेट हो जाएगा तो सिर दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। नंबर तीन, लौंग। तवे पर लौंग की कुछ कलियों को गर्म कर लीजिए। इन गर्म हो चुकी लौंग की कलियों को एक रुमाल में बांध लीजिए। कुछ देर पर इस पोटली को सूंघते रहिए। आप पाएंगे कि सिर दर्द खत्म हो गया है। नंबर चार, तुलसी की पत्तियाँ। आपने अक्सर लोगों को सिर दर्द होने पर चाय या कॉफ़ी पीते देखा होगा। एक बार तुलसी की पत्तियों को पानी में पकाकर उसका सेवन कीजिए। ये किसी भी चाय और कॉफ़ी से कहीं अधिक कारगर और फायदेमंद है। नंबर पाँच, सेब पर नमक लगाकर खाएं। अगर बहुत कोशिश के बाद भी आपका सिर दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा है तो एक सेब काट लें और उस पर नमक लगाकर खाएं। सिर दर्द में राहत पाने के लिए यह बहुत ही कारगर उपाय है। नंबर छः, काली मिर्च और पुदीना। सिर दर्द में काली मिर्च और पुदीने की चाय का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। आप चाहें तो ब्लैक टी में पुदीने की कुछ पत्तियां मिलाकर भी ले सकते हैं। सर्दी जुखाम के लिए नुस्खे। नंबर एक, आजकल मौसम बदल रहा है। मौसम बदलने के साथ साथ लोगों को सर्दी खांसी जैसी समस्याएं आम हैं। लोग छोटी छोटी बीमारियों से बचने के लिए महंगी दवाएं लेते हैं, लेकिन इससे कोई खास फायदा नहीं होता। आज मैं आपको सर्दी जुखाम से बचने के लिए कुछ ज़बरदस्त नुस्खे बताने जा रही हूँ। आप मसाले में इलायची का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, साथ ही यह सर्दी और जुखाम से भी बचाव करती है। जुखाम होने पर इलायची को पीसकर रुमाल पर लगाकर सूंघने से सर्दी जुखाम और खांसी ठीक हो जाती है। रोज़ रात को दूध में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गुड़ डालकर उबाल लें और इसे पिएं। सर्दी जुखाम से राहत मिलेगी। गुनगुने पानी में नींबू डालकर पीने से सर्दी और खांसी में आराम मिलता है। एक गिलास उबलते हुए पानी में एक नींबू और शहद मिलाकर रात को सोते समय पीने से जुखाम में लाभ होता है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर में एक चम्मच मिश्री को मिलाकर एक कप गर्म दूध के साथ दिन में 3 बार पिएं। सर्दी जुखाम खत्म हो जाएगा। अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से सर्दी में आराम मिलता है। व्यूअर्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और इंग्लिश आपकी प्रॉब्लम है तो अटेंड करें लाइव क्लास बाय गौरव धवन सर वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप पर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है बदलते मौसम में सिर दर्द और जुखाम से बचने के आसान घरेलू इलाज। व्यूअर्स, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं शेयर करें उन लोगों से जिन्हें इनकी ज़रूरत है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।